कितना लेट कर दिया भाई, टाइम कितना हुआ है? ये ट्रक क्या कर रहा है? पेट्रोल का कितना दाम है अभी? तो गाइस अभी एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया है। 160 और द अपडेट शुभांकर अभी भी हमने को नहीं मिला है। वाओ यार लुक एट दिस। तो गाइस रेडी? Yeah! तो चलो सब तो हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज चुके हैं सुबह के 4:11 और आज हम लोग जा रहे हैं राइड पे। राइड कहाँ की होने वाली है वो मैं आपको रास्ते में चलते चलते बताऊंगा। पहले अपना जो ट्रिप है इसको कर लेते हैं ज़ीरो। ट्रिप ए ज़ीरो, ट्रिप बी ज़ीरो। तो चलो गाइज वी आर रेडी। अभी फ़िलहाल लेट हो चुके हैं और ये मेरा GoPro Hero 8 के साथ पहला व्लॉग है, तो बहुत ही अमेजिंग वाली फीलिंग आ रही है। तो अभी फ़िलहाल मिलते हैं शुभांकर से। उसके पहले मैं अभी घर से निकलते निकलते बाइक को उठाते उठाते पूरा पसीना पसीना हो चुका, मतलब इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो चलो हवा चलेगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये GoPro Hero 8 के साथ मैंने अडाप्टर लगाया है और साथ में मैंने माउनो का माइक लगाया है, तो ज़रूर से मुझे बताना कमेंट करके कि आवाज़ कैसा आ रहा है। ये देख पा रहे हो अभी पूरा रास्ता खाली है, कुछ कुत्ते सोए हुए हैं बस। शुभांकर आया, कितना लेट कर दिया भाई, टाइम कितना हुआ है? कितना ही हुआ है? 4:20। ठीक है चलते हैं। ओके कहाँ जा रहे हैं? तो सरप्राइज रख के बोल दिया, मेरे को बोला ही नहीं कहाँ जा रहे। वो अभी सस्पेंस है, वो अभी रोड पे बताएंगे। अभी हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा लेट, तो अभी चलो रोड को हिट करते हैं। और लगे बहाने मैंने ग्लव्स भी पहन लिए, दोनों अलग अलग कलर के हैं, इसकी स्टोरी भी बताएंगे। तो गाइज इसका जो स्टोरी है वो ये है कि जब मैंने ख़रीदने गया था ये ग्लव्स, तो एक और दोस्त के साथ गया था, तो हम दोनों को दोनों कलर्स ही पसंद आ गए थे, तो एक मैंने रख लिया एक उसने रख लिया। तो ये है इसकी स्टोरी। तो अभी चलो अभी ऐसे ही चलाना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वी आर वेरी लेट। तो अभी जल्दी से अपना मीटअप पॉइंट पे पहुंचते हैं। सिर्फ मैं और शुभांकर ही नहीं जा रहे, साथ में और भी कई सारे लोग हैं। ये ट्रक क्या कर रहा है? ओके गाइस वी हैव रीच्ड द मीटिंग पॉइंट। पेट्रोल भरा क्या था वो? तो फटाफट से अभी रिफ्यूलिंग कर लेते। पेट्रोल का कितना दाम है अभी? 101 रुपये। सही है, 500 का डाल दो। आजकल राइड पे जाना भी कितना महंगा पड़ रहा है ना, अपने तो 125 cc है, तुम लोगों का क्या होगा रे? 160, 250, 390, 495, 4.95 liters आए हैं टोटल। गिरने दो गिरने दो। चलो जी तो हम लोग अभी थोड़ा लेट हो चुके हैं। ये रहा हमारा राइडिंग ग्रुप। कैमरा अखन रिकॉर्डिंग अच्छा। ओके गाइस तो दिस इज आवर राइडिंग ग्रुप। शुभांकर अभी रिफ्यूलिंग करा रहा है। तो गाइस रेडी? यस। तो चलो सब रेडी है, यहाँ से अभी निकलेंगे। सो द बाइक दैट वी हैव हियर विद अस इज अपाची डोमिनार RC390, एक और अपाची, एक बुलेट और एक्स ब्लेड भी जा रहा है क्या? हाँ एक्स ब्लेड। तो चलो ओके। सो हो चुका है राइड का शुरुआत। बहुत मजा आ रहा है, मतलब इतने दिनों के बाद वो भी GoPro Hero 8 के साथ राइड करने निकला हूँ हरिणी पे, और वो भी इतना दूर गाइस, मतलब इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। दिस इज आवर ग्रुप, सब खड़े एक लाइन पे,
सिग्नल भी हो चुका है ग्रीन। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है कोलकाता को टाटा बाबा है बोलने का, क्योंकि ये सामने पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन न्यू हावड़ा ब्रिज जो है वो अभी यहाँ से दिखने लगा है। एंड दैट इज अ मैंडेटरी शॉट जब भी आप कोलकाता से बाहर जा रहे हो बाय कार और बाय बाइक। और ये अपनी गंगा नदी, और ये हमारे सारे राइडर्स 1 2 3 सब एकदम मस्त क्रूज करते करते अभी जा रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्रिज यार, सो अमेजिंग। यहाँ पे रुकना मना है। ओ दीस कर्व्स सो सेक्सी मैन। अरे बापरे बम्पर, बापरे बाप, इतना अच्छा कर्व्स का फील ले रहा था मैं, पूरा मुझे ही हिला दिया इस बम्पर ने। ये देखो यहाँ पे कुछ हो गया है, पुलिस वालों डंडा फंडा लेके खड़े हैं। अब बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है इधर पे ट्रक्स का। शुभांकर जो है हम लोग को लगा पीछे हो गया, तो हम लोग बहुत देर से रुके हुए थे, लेकिन अभी जाके स्टोरी में ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये है कि वो हमसे भी आगे चला गया कहीं पर, तो वी हैव टू कैच अप टू हिम। अब से थोड़ा कोऑर्डिनेट करके जाना पड़ेगा, गलतियों से ही सीखते हैं, तो चलो अभी। सो गाइस दिस इज द डानकुनी टोल प्लाजा, और अभी तक हमको शुभांकर मिला नहीं है। फिलहाल तो सामने है खूबसूरत सा रोड जैसा कि देख पा रहे हो। वाह यार कितना दिन से आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, फाइनली हरिणी इज बैक ऑन द रोड, बैक ऑन द हाईवे। और कहाँ जा रहा हूँ वो मैं अभी तक आप लोगों को बोला नहीं, सस्पेंस बना के रखा था, लेकिन अभी बोल देता हूँ कि वी आर गोइंग टू गंगानी कैनियंस, तो ग्रैंड कैनियन ऑफ वेस्ट बंगाल वो बोलते हैं गंगानी कैनियंस को, तो वहीं पे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा होने वाला है। अभी फ़िलहाल तो खोजना है शुभांकर को कि वो कहाँ चला गया, अपने से आगे निकल गया पीछे निकल गया, हम लोग को वो मालूम नहीं। गूगल में लोकेशन शेयर किया तो आगे दिखा रहा है, पता नहीं कैसे हुआ। उसको सबसे पहला टास्क है खोजना, उसके बाद आगे बढ़ना। तो अभी रुके हैं पता नहीं किस लिए, ये यहाँ का ऐसा कुछ नज़ारा, यहाँ पे हरिणी खड़ी है। वाह व्हाट एन अमेजिंग व्यू यार, और वेदर भी बहुत अच्छा है, बाकी सारे राइडर्स भी जा रहे हैं, और जितने भी राइडर्स होते हैं ना ऐसे एक दूसरे को थम्स अप दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है। तो गाइस अभी एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया, हम लोग 10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, मतलब गलत रास्ते पे, और शुभांकर ठीक रास्ते पे ही खड़ा हुआ है तब से, एंड वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। तो अभी यहाँ से यू टर्न मारना पड़ेगा और फिर वापस कोलाघाट की तरफ जाना पड़ेगा। अभी हम लोग दिल्ली हाईवे पकड़ के एकदम सीधा चलते आजाद हिंद ढाबा की तरफ, 10 किलोमीटर रॉन्ग वे। अभी वी आर लुकिंग फॉर अ प्लेस, उस लेन में जाने के लिए डिवाइडर खोज रहे हैं, इसीलिए धीरे धीरे इस तरफ से अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कितना आगे जाके मिलता है। ओके तो फाइनली ये एक जगह मिला है, यहाँ से अपन यू टर्न लेंगे। चलो जी फाइनली ऑन द राइट ट्रैक, और राहुल ने बोल दिया कि अब टानो क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट, उसके ऊपर से गलत रास्ता ले लिया था तो और लेट हो गए हैं, तो अब खींचना पड़ेगा यार। ये दो के बीच से जाओ कि नहीं जाओ, नहीं जाऊंगा, चाप देगा तो मुश्किल है, यहाँ से निकल जाएंगे। यार कितनी सेक्सी लग रही है सारी बाइक, एंड वी आर गोइंग टू क्रॉस 101 107 107 107।
बस 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 हरिनी बस। ये आ गया अपना थर्ड टोल प्लाजा, जाला धूलागुड़ी टोल प्लाजा। और द अपडेट शुभांकर, अभी भी अपने को नहीं मिला है। नो आइडिया यार कहाँ पे खड़ा होगा, खड़ा भी होगा कि घर चला गया होगा, पता नहीं, जाके ही पता चलेगा। ओके गाइस, फाइनली शुभांकर मिल चुका है, खड़ा हुआ था पता नहीं कितना देर से, तो अभी उससे पूछते हैं। फाइनली आ गया, कितना देर से खड़ा है? एक घंटा से। तू आगे चला गया, हम लोग गलत रास्ते में चले गए। चल कोई नहीं, आगे चल, आगे चल। ठीक है, लेकिन तू आगे निकल अभी। फाइनली शुभांकर मिल चुका है, वो सही रास्ते पे खड़ा हुआ था, हम लोग गलत रास्ते पे चले गए थे। एक घंटा तक खड़ा था बेचारा गर्मी में, बट कोई नहीं, फाइनली एंड वाला तो सब वाला हम लोग मिल चुके हैं। अब यहाँ से क्रूज करेंगे एक साथ, दिल को मतलब एक सुकून मिला कि चलो भाई मिल गया है, नहीं तो मैं सोच रहा कि वो घर चला जाएगा, बहुत ख़राब लगता। तो चलो कोई नहीं, अभी साथ में राइड कर रहा है। गुड ब्रो, गुड, शाबाश। She picks a perfect, so I told him I'm a